ये फिल्म फारा ने नहीं लिखी थी, मैं सच बताता हूँ सोहेल, ये फिल्म सोनू की है। सो सबसे पहले वो मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले वो गए विशाल भारत भारद्वाज के पास म्यूज़िक करने के लिए, वो नहीं मिले तो विशाल शेखर ले लिया। उसके बाद वो गए नसीरुद्दीन शाह के पास, उन्होंने मना किया तो विवान शाह ले लिया। फिर वो टाइगर श्रॉफ के पास गए, उसने कहा नहीं मैं ये वाला नहीं करूँगा रोल, तो हमने जैकी श्रॉफ को ले लिया। उसके बाद हम प्रकाश पडुकोण के पास गए, उन्होंने कहा मैं तो फिल्म में करता ही नहीं, कहा तो दीपिका चलेगी यार। उसके बाद हम अमित जी के पास गए, सोनू साहब, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ये तो नहीं होगा, तो हमने अभिषेक को ले लिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी लोग हैं यहाँ पर स्टेज के ऊपर, सोनू ने ऐसे कास्ट किया। साजिद खान के पास ने कहा तो उसने कहा निकल जा फारा को लेने तो ले ले, तो फारा खान को ले लिया। फाइनली सोनू अरुणा ईरानी के पास गए, जब अरुणा ईरानी नहीं मिली तो उन्होंने बोमन ईरानी को ले लिया। तो ऐसे हम लूजर्स को लेकर ये फिल्म बनाई है, होपफुली हम लूजर्स इतनी मेहनत करेंगे। और जब सारे खानों ने निकाल दिया तो मेरे पास आया ये, तो मैंने कहा यार हम तो कर ही लेंगे यार। तो ऐसे बनाई है सोहेल यार, बहुत मेहनत से हम लूजर्स ने बनाई है, होपफुली आप लोगों के दिल को पसंद आएगी। छोटी सी पिक्चर है, दुआ कीजिएगा। एक्चुअली ये जो फिल्म है ये किसी एक एक्टर के बारे में है ही नहीं, ये एंसेंबल फिल्म है। और मैंने ऐसी फिल्म कभी की नहीं है, आई थिंक फारा ने ऐसी नहीं की है, और जितने एक्टर्स यहाँ पे हैं शायद उनमें से एक दो को छोड़ के सब ने ऐसी की नहीं है। सो ये जो फिल्म है ये एक्चुअली होप पे है, बिलीफ पे है, अच्छाई पर है, और उन लोगों के बारे में है, उनको डेडिकेट की गई है जो 99.9% इस दुनिया में है, जो समझते हैं कि वो लूज़र्स हैं, जो हार चुके हैं। लेकिन फारा का ये मानना है, और अगर औरत ये मानती है तो मैं भी वही मानता हूँ, कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में लूज़ कर चुके हैं, ज़िंदगी आपको एक मौका और ज़रूर देगी जिसमें आपको चांस मिलेगा विनर बनने का। तो ये हम जो ताले वाले तोड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर, स्पेशली जो टू टूज के अंदर हम डांस कर रहे हैं बैले वाला, वो इसलिए ही कर रहे हैं कि कहीं पे ज़िंदगी ने हमें मौका दिया है, उन लूज़र्स को, उन लोगों को होप दी है कि कहीं ना कहीं पर हम अपनी उम्मीद से ज़्यादा ज़िंदगी जी सकें। It's different. I play a Maharashtrian girl, and so obviously that would be different. I hope it sounds correct, and I hope it comes across as a Maharashtrian girl. I think Minamma for me was one of the most special characters I've done, and I hope Mohini, and oh, both start with M. So I hope Mohini becomes as special as Minamma. Chali naam hum lazy ho gaye the change karne ko, because we used to write some Chali. What will we give his name? I'll just write some Chali and then we'll change his name afterwards. But then it got stuck and then we liked it and then we thought it's different for a Hindi movie. Aur sabke naams thode thode alag rakhe humne. Bauman ka jo naam hai, Tammy Irani, mere mama ka naam hai wo. So Tamta Irani. So that's that. And Abhishek was Nandu Bhide because it had to rhyme with Dimag Mein Keede. So literally, and Mohini actually is from 1-2-3 Tezab. Unki Deepika ki entry jo hai, I wanted 500 men screaming Mohini, Mohini. So her name came from there. And Chali ka naam actually Chandramohan Sharma hai picture mein. Aur Jag is Jagmohan Prakash. और विवान का नाम हमने रायन रखा था, लेकिन हमने बोला ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कैथलिक फिल्म होती जा रही है, इसलिए हमने उसको रोहन बना दिया। सो दैट्स इट। आई मीन इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू फाइंड लिटिल क्वर्की नेम्स, और आजकल लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। तो वर्किंग विद फारा वाज द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस आई एवर हैड इन माय लाइफ ऑफ यू नो 15-16 इयर्स व्हाटएवर आई हैव स्ट्रगल्ड एज एन एक्टर, बट आई थिंक दिस इज व्हाट फ्रीडम फॉर मी इज। The biggest challenge was not to take anything from any heist movie that I have seen or that I know, to completely make an original heist. You know, it's a formula film. Heist has a formula to it. And to write something that you haven't seen before, you know, the plan, the escape, all that, I think that writing it was the biggest challenge. And then after that, you have such a wonderful bunch of... actors, and you have Shahrukh producing it. After that it was smooth sailing. I think the writing took almost more than a year to write it down. Ms.
about all of us working together towards a common goal. It's not about action or just there's no romance or there is romance and there's comedy. It's about a group of people trying to achieve their dreams, like Shah Rukh said. And you know, Tode Tale, it's not that. It's about going out there and just entertaining. We've made the quintessential Bollywood masala film. And I tell Farabi all the time that this is a film Manmohan Desai would have been proud of. This is what this film is. There is no comparison. Comparison is in the minds of people who want to compare. And to be really honest, I was writing today that the competition happens with your last job, with your last work, to make your tomorrow or today better than what you did yesterday. If you're going to be competing with others, it's never going to work. It's the job of people who do not believe in themselves when they compare themselves to others. With all honesty and love, I say, I wish every film that comes, because you would like me to say it, so I'll say PK and Kick, and every film that comes, even after that, before that, does wonderful business, entertains us more than the business part of it, makes us all happy. And inshallah, ours also moves along parallelly and does the same for everyone. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.